तो यहाँ पे ये एलोवेरा जो था मेरा बहुत छोटा सा आया था, लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसके एलोवेरा मैं लगा सकती हूँ आराम से बाल में भी। ये देखो मम्मी ख़राब हो गया है। क्या? नहीं वो ख़राब नहीं हुआ है बेटा, इसके ना ये रस्सी निकाल के लगाने वाले होते हैं, पर बहुत गिज गिज करते हैं। नहीं, इसे गाल में लगाने से अच्छे होते हैं। और यहाँ तुलसी माँ, यहाँ समी का पेड़, समी के पेड़ में पानी कम लग रहा है। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मेरी सुबह की मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप लोग से भी कर दे रही हूँ। यहाँ बच्चों का लंच बनना मेरा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस समय बजे थे 6:45 और मैंने 5 बजे जब उठी थी 4:45 बजे, उसी में मैंने आलू बॉयल करने को रख दिया था सब काम। तो पूजा पाठ करने के बाद बस मेरा स्टार्ट हो गया था अपना डेली का रूटीन। आज बच्चों के लिए मुझे लंच भी देना है, कचौड़ियाँ, आलू की पूड़ी, मैंने पराठे तो छोटे छोटे तल के मैं बनाऊँगी, इसीलिए कचौड़ियाँ टाइप में बता रही हूँ। बट क्योंकि बाबू तो लेकिन जाएगा नहीं, उसी का डिमांड था, बट वो जाएगा भी नहीं क्योंकि उस काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम सा हो गया था। और यहाँ मम्मी कुछ कर रही थी, मैं बातें भी, क्योंकि मम्मी भी नहाई नहीं थी, वो नहाने जा रही थी और मैं अपना आलू साफ़ कर रही थी, तो वो अभी तो यहाँ पे चलिए अब मैं कर लेती हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने पराठे का पेस्ट भून के तैयार, बस इसमें 2 हरी मिर्च काट के मैंने, जीरा मिर्च नहीं डाली है क्योंकि नहीं डालना बाबू को पसंद नहीं आता है। तो बस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बड़े चंगे होंगे। और आज है धनतेरस, आज और कल 2 दिन है, तो सभी लोग को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में खूब ढेर सारे सामान आए, बर्तन आए, भगवान करे सुन गए। तो यहाँ पे चलिए अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। सुबह के बज रहे हैं 8, बच्चे गए स्कूल और काम स्टार्ट हो गया है कंटिन्यू सुबह के ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा रही हूँ, मैं जा रही थी चाय पीने और एक आलू के पराठे खाने, तो मैं सोची आप लोग के भी साथ शेयर कर दूँ। आप लोग भी खा लीजिए, आइए ये देखिए, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ 1 कप टी चाय भी रखा है, ये देखिए। तो चलिए अब कर लेते हैं नाश्ता, फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को फुल आप लोग देखा करिए, जिससे क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो मैं डालती हूँ बाद में लास्ट में पड़ जाता है, तो आप लोग नहीं जान पाते हैं जो चीज़ का टाइटल थंबनेल रहता है। तो ब्लॉग जब पूरा एंड तक देखेंगे तभी समझ में आता है। तो चलिए पहले कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद करते हैं स्टार्ट आप लोग के साथ वीडियो। वो चलिए, मेरा सारा काम तो करीब करीब हो चुका था, सब चीज़ बस चावल बनाना बाकी था। और सारे घर की मैंने सफाई की, किचन भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट मैं कैसे भूल गई थी अपना बर्तन स्टैंड। तो आज मैंने इसको भी इसी हाथ लगे क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर से अगर सोचूंगी ना शाम को करूँ या दोपहर को तो भूल जाऊँगी, जो कि मुझे टाइम नहीं था, मुझे बहुत इमरजेंसी काम अभी था। लेकिन बट उसे छोड़ के मैंने इसको भी किया, क्योंकि लगे मुझे लगता ना जब मैं करती हूँ कोई काम और ये चीज़ जो तुरंत होता है ना, वो कंफर्म अच्छे तरीके से हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर थोड़ा भी उसे लेट करके नेक्स्ट बार के लिए रखते हैं या थोड़ी देर के बाद, तो वो कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कोई भी चीज़ करो तो अपना उस पर एक्टिव रहो, एक्टिव। जैसे मैं देखिए, मेरा यूट्यूब ही चैनल है, मेरा जो वीडियो बनता है मैं डेली वीडियो डालती हूँ, चाहे जैसे भी हो बस मुझे डालना है। तो ये एक हमारा कंटिन्यू काम है जो हमें करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी वो सब किचन में साफ़ की, फिर बोल रही थी ना आगे रूम में अभी टीवी भी नहीं, मैं थोड़ा सा पोछी थी, अपने बच्चियाँ पोछी थी। तो जैसे अपने हाथ से कर लो ना तो उससे लगता है कि हाँ फाइनली मुझे सब ठीक, साफ भी लगता है। बच्चे थोड़ा करते हैं लापरवाही से, तो इस तरीके से मेरा जो आज का पूरा घर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे अब सारे कपड़े धीमे धीमे धुलने हटाने हैं, बट मैं कुछ अभी धुलूँगी, कुछ धुलूँगी जो दीपावली के बाद। और यहाँ मैंने टीवी को भी लगे हाथ मार ली, क्योंकि जब वो कर रही थी मेरे दिमाग में, माइंड में चल रहा था कि अब टीवी को एक ही साथ और ये जो पॉट है इसको भी मुझे साफ हल्का हल्का मार देना है, क्योंकि बच्चे अलमारी वगैरह किए थे, बट इस भी छोटी छोटी चीज़ों पे उन लोग का उतना ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान जाएगा हम लोग गार्जियन जो हम लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, हम लोग के साथ ऐसा होता है कि छोटी बड़ी चीज़ों को केयर करना पड़ता है। तो यहाँ मैं मम्मी से बात भी कर रही थी और अपना काम भी फटाफट निपटा रही थी, क्योंकि मुझे आज 2-3 जगह निकलना था, तो मैं सोची चलो पहले ये सब काम कर लेती हूँ, कंप्लीट हो जाता है उसके बाद।
तो हमारी जो लाइफ होती है ना कुछ इसी तरीके से बिजी रूटीन वाला एकदम चलता। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने जो काम था इसे भी मैं सही से कंप्लीट कर रही थी, तो ऐसे ही मेरा दिनचर्या पूरा बीत जाता है। बट अब दीपावली है ना, अभी दीपावली तक मुझे बिजी, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत केयर करना चाहती हूँ, जैसे मुझे घर का सजाने में शौक़ में अभी मार्केट निकलना है, तो मैं क्या लेके आऊँ क्या नहीं लेके आऊँ एक मेरे माइंड में चलता रहता है। सुबह ही मैं बोलती थी मम्मी आज मुझे मार्केट निकलना है, तो देखिए आज तो मैं गई ही थी, बट अभी मुझे कल परसों में फिर परसों में जाना रहेगा, थोड़ा सा और भी डेकोरेट करने कुछ सामान है। तो मैं सोच रही थी मैं आप लोग को होम टूर अपने दीपावली के ही दिन कराऊं अपने घर का। और यहाँ पे देखिए ये गणपति बप्पा को जो मैंने मंगाया था, ये पोस्टर लगाया था, इनको भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से पोंछ दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी तो डस्ट हो गए होंगे बैठे होंगे। तो यहाँ पे करते करते काम खुजली भी होने स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से मैं पूरी चीज़ को, मुझे काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा, और जानते हैं सबसे अच्छी चीज़ें मुझे दीपावली लगती है, बट दीपावली लगती है सब कुछ अच्छा लगता है, जब पटाखे बजते हैं ना तब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गूंजने लगता है। और मुझे लग रहा है उस दिन तो ब्लॉग नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर ही होने लगेगा कल से ही, कि फिर मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करना या वीडियो को डालना मुश्किल थोड़ा हो जाता है, लेकिन करूँगी तो ज़रूर, चाहे जैसे भी करूँ। तो आज मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, पर्दे वगैरह सारे लगे गए हैं, तो इस तरीके से मैं अपने घर को पूरे दिन, अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके से बिजी रखती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और हमेशा आप लोग सारी ब्लॉग पसंद करते हैं, तो मैं सारी ब्लॉग के साथ ही डालती हूँ। और मेरी, मैं बोलती हूँ ना, मुझे साड़ी पहनना पसंद भी है, तो अब मुझे कम्फर्टेबल भी रहते हैं, अनकम्फर्टेबल नहीं लगता कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसा नहीं लगता है। तो मैं उसी हद, क्योंकि मैं अपनी जो रूटीन है ना दोनों अकॉर्डिंग बनाती हूँ, कि साड़ी में भी रहूँ सूट में भी रहूँ, जिसमें रहूँ मुझे एक काम करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सारा काम इस तरीके से कर लिया, फ़ैन को भी बंद कर दिया क्योंकि झाड़ू लगा रही थी तो सारे कूड़े उड़ रहे थे। तो बस अब झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा मारूंगी, पोछा मारने के बाद फिर मैं तैयार हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं काम वाली बाई हूँ। जब तक काम करती हूँ तब तक लगता है, और उसके बाद जब काम करके खाली होती तैयार होती हूँ और अपनी धनुष स्कूटी को लगाती हूँ, तो कोई नहीं कह सकता कि ओ ये तो काम वाली है। तो अब मुझे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि और उस समय मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कभी रिकॉर्ड करूँगी, जब मैं काम करके कंप्लीट तैयार होती हूँ और रेडी होकर निकलती हूँ तो मेरे कुछ और लुक होते हैं, काम करते समय कुछ और लुक होते हैं। तो इस तरीके से मेरी स्टाइल है, जो मैं हर तरीके से अपने लाइफ को, अपने चीज़ों को इंजॉय करती हूँ, फैमिली तो के साथ, आज फैमिली के साथ, घर का काम। कल मैंने स्टार्ट, सुबह मॉर्निंग हमारा जो ब्लॉग था वो तो स्टार्ट था आप लोग के साथ, वो तो शेयर हो गया, बट दोपहर के बाद मैंने साड़ी जो दूसरी वाली वेयर करके गई थी बाबू को लेने स्कूल, मैं सोची थी उसके साथ रील्स मैंने एक डाली, बट मैं वीडियो के लिए भी सोची थी कि आप लोग के साथ वो वीडियो भी उससे साड़ी लुक शेयर करूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं हो पाया शेयर। जो चीज़ अगर आप सोच के माइंड में चलते हो ना, कभी वो कहीं ना कहीं कुछ ना ऐसा लेके ना जाता कि काम को ख़त्म कर देता है। और एक चीज़ मैं सोची थी, और कहीं निकलने के लिए भी मैं सोची थी कि जाऊँ, बहुत दिन हो गया है लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाई। तो जब मैं अच्छा सोचती हूँ कि बस मुझे जाना या ये चीज़ करना, तो वहाँ नहीं हो पाता, और नहीं सोची जो रहती हूँ ना वो हो जाता। फाइनली मेरा एब्रो तो कल बन गया, लेकिन मुझे ऑफर मिल रहा है क्लीनअप करवाने का 100 रुपये में, तो मैं सोचूँ टाइम है कि नहीं है, जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करती हूँ, देखिए कहाँ निकलना, क्या आज बहुत चीज़ें करना, और कैसे आज है धनतेरस तो बहुत चीज़ें करना है, क्योंकि भगवान जी के लोग के कपड़े वगैरह ये सब लाने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। बट कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो कुछ कुछ अगर रहेगा तो आप लोग के साथ क्लिप ले लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ शेयर करें मैं कहाँ गई, क्या क्या ली, कैसे ली और कितने रुपये कर ली। वैसे कोशिश तो हमेशा करती हूँ कि कम से कम प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये वाली साड़ी जो मैंने कल अभी वेयर की थी, और इस पर मैंने बस एक रील से डाली, क्योंकि इसकी ब्लाउज जो था ना सिला गया था, तो मैं सोची थी कि इसे पहनने के बाद इसका सेट जो हैगा मैं इसके साथ लुक शेयर करूँगी थोड़ा सा आपके साथ अपना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने दीपावली के लिए जो साड़ी चूज़ की है
वाली साड़ी तो मैं पहले अभी पहनी थी, आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन नेक्स्ट में फिर से थोड़ा सा उसका अच्छे से अगर महसूस हुई वही पहनूंगी, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं तो दीपावली पे साड़ी ही पहनूंगी, साड़ी हमारी शान है जान है। तो चलिए इसको रख देते हैं। जो मेरा खत्म हुआ था कलर ब्रो पेंसिल आई, बट मैं चाह रही थी ब्राउन कलर, बट ब्राउन नहीं मिला तो ब्लैक ही मिला, ब्लैक ही आया। कोई बात नहीं, चलते हैं और फटाफट लगाते हैं झाड़ू पोछा, फिर क्योंकि बेटी को भी लेने जाना और बहुत काम है, भी चावल बनाना बाकी है, वो भी काम है यार, कितना काम होता है हम औरतों के दम। चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप लोग से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, जो आप लोग को पसंद आए। तो चलिए बाय बाय।